अवैध बोरवेल खनन पर कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मंदसौर जिले में बोरवेल से खनन पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी मिलीभगत से रोज अवैध रूप बोरवेल खनन किया जा रहा है, जिसकी कई खबरें सोशल मीडिया पर चलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, पर आज कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। इसके चलते अब मिलीभगत करने वालों में हड़कंप मच गया है। आगे अब ये दिलचस्प होगा कि क्या अवैध बोरवेल खनन पर कार्रवाई के आदेश के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बोरवेल वाले किसानों से मनमानी राशि वसूलना बंद कर निर्धारित राशि पर बोरवेल खनन करें। मंदसौर से अजय शर्मा की ये रिपोर्ट। सर, जिले में लगातार कई माध्यमों से सूचना मिलती है कि मध्य रात्रि में बोरिंग अवैध रूप से हो रहे हैं, क्या बोरिंग की परमिशन है और अगर नहीं है तो सर क्या एक्शन लेंगे? सर कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि बोरिंग पर अभी रोक लगाई हुई है, बारिश भी कम हुई है और ज़िले के बहुत सारे इलाके रेड जोन में आते हैं, तो अगर कोई अवैध तरीके से इस तरह की बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को भी दिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसको फिर से भी उनको ताकीद किया जाता है ताकि इसमें सख्ती से कार्रवाई हो। सर, ये बताया जाता है कि नियम ये कहते हैं कि बोरिंग मशीन को डीजल भी पेट्रोल पंप नहीं दे सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? पेट्रोल पंप के लोगों को भी इस बात के लिए ताकीद की जाएगी और DSO को भी हम बताएंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।